पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा, वो फोन भी नहीं उठा रही है। मैं काम करता हूँ, सीधा पुलिस स्टेशन में फोन करता हूँ। हाँ इंस्पेक्टर साहब, विराट बोल रहा हूँ। वो जो आदमी था सुरेश, उसका क्या हुआ, कुछ बोला उसने? क्या हुआ? जिसका डर था वही होगा। बेल मिल गई उस इंसान को। आंटी अब जानती है सच के इतने करीब थे हम, और ये सब ना आपकी बेटी की वजह से हुआ। इतनी बार बोला मैंने उसको, पर वो अपनी जिद पे अड़ी रही। अब क्या करेंगे, पता चल ही नहीं पाएगा कि वो पिक्चर्स लीक किसने की थी। अमू, आ गई तो? जाने से पहले प्रॉमिस करके गई थी ना मुझे, बोल के गई थी कि वापस आके उस इंसान का नाम बताऊंगी जो इस सबके पीछे है। तो क्या हुआ, क्या है नाम बताओ, बताओ क्या है नाम? कुछ नहीं पता ना, भाग गया ना वो इंसान बैंकर, और ये सब ना तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। इतने पास थे, सच पता चलने वाला था, पर तुमने सब खराब कर दिया। ना हम यहां पे आते, ना ये सब होता। हर बारी अपनी मनमानी करनी है इसको आंटी। तू रो क्यों रही है? तू आ जा, यहां बैठ जा। विराट, अमू, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तू शांत हो जा, मैं पानी लेकर आती हूँ। बासी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बासी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। विभूति, ये शराब कभी? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे विराट का बुरा सोचने की? सबूत है मेरे पास, तुम्हें देना उस फोटो में जंगल में विराट की गाड़ी के पीछे उन गुंडों के साथ। मासी, मासी आप गलत समझ रही हैं। हम भला ऐसा क्यों करेंगे और विराट के खिलाफ हम क्यों होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है मासी। मैंने तो हमेशा आपका साथ दिया, हम दोनों ने आपका साथ दिया। आज देखिए ना, ये अमृता आपको पकड़ लेती, मैंने आपको बचाया। तुमने मुझे नहीं, खुद को बचाया है, क्योंकि तुम्हें पता था कि आज नहीं तो कल मुझे सच का पता चल जाएगा कि उन गुंडों को विराट के पीछे तुमने ही भेजा।